हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंधखेड राजा में और अब हम देखने वाले हैं पुतड़ा बारो यानी कि पुतला बारो जो कि शिवकालीन है। अभी मैं इसके पास में ही हूँ तो आज हम ये पुतला बारो देखेंगे। तो दोस्तों यही है पुतला बारो। अगर हम इसको देखें तो ये पुतलों से बनी हुई बारो है, बारो यानी कि कुआ। हम इसके चारों ओर अगर देखेंगे तो हमें सिर्फ पुतले ही पुतले दिखाई देंगे, पत्थर के ऊपर नक्शशुदा काम, इसलिए इसे पुतला बारो कहते हैं। और ये शिवकालीन बारो है जो कि सिंधखेड राजा में स्थित है। सिंधखेड राजा का जो राजवाड़ा है उसके पास में ही है ये बारो। तो आइए भी हम अंदर चल के देखते हैं। यहाँ से उतरने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ ऐसे। और ये खूबसूरत यहाँ पे ऐसे पत्थर के ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई है पुतले, इसीलिए इसे पुतला बारो कहते हैं। इस ओर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे पत्थर के ऊपर हमें नक्शशुदा काम दिखाई देंगे, शिल्पकला जिसे कहते हैं। बारो की हाइट आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तक थे लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा गिरा हुआ है और पुरातत्व विभाग ने इसकी कालजी लेना चाहिए क्योंकि ये एक ऐतिहासिक बारो है। तो दोस्तों ये है ऐतिहासिक पुतला बारो जिसे मराठी में पुतड़ा बारो कहते हैं जो कि शिवकालीन है और सिंधखेड राजा के अंदर एक ऐतिहासिक बारो है। तो दोस्तों इसका बहुत सा हिस्सा ढह चुका है और पुरातन विभाग ने इसका ख्याल करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐतिहासिक ऐसी खूबसूरत बारो थी। आज इसके पत्थर जगह जगह उखड़ गए हैं, देख सकते हैं आप ये जगह को, क्योंकि बहुत खूबसूरत बारो थी ये और आज भी है ये। अगर इसे संरक्षित किया गया तो ये फिर से पहले जैसी बन सकती है, देख सकते हैं ये बारो को। पुतला बारो इसीलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसके आसपास पूरे पुतले यानी कि ये कोरी काम किया हुआ है, एक खूबसूरत बारो है ये। इसका इस ओर का अगर हम हिस्सा देखेंगे तो यहाँ के जो जितने भी पत्थर वगैरह थे ये सब ढह चुके हैं और इस ओर के पत्थर है ही है लेकिन ये कुछ गिरे हुए पत्थर है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम इसका तो इसी से पता चलता है कि ये एक अतीत में खूबसूरत बारो रही होगी। किस तरह पत्थर को डिजाइन दिया गया है देख सकते हैं आप ये। दोस्तों अगर इसमें पानी में दिखे तो यहाँ पे और भी हमें सीढ़ियाँ दिखाई देती है नीचे उतरने के लिए, यानी ये और डीप हो सकती है। हम इस ओर का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत मूर्तियाँ निकली हुई है, ये देख सकते हैं अभी आप। दोस्तों इस ओर का जो पत्थर के ऊपर काम किया हुआ है देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत काम किया हुआ है ये। इसके जो सीढ़ियां है को बारो के नीचे उतरने के लिए, उन सीढ़ियों के ऊपर ये सारा काम किया हुआ है देख सकते हैं आप। इसीलिए ऐसे
पुतड़ा बारो कहते हैं। पुतड़ा बारो यानी के पुतला बारो। तो कितने खूबसूरत तरीके से पत्थरों को तराशकर ये बारो बनाई गई है, लेकिन आज इसकी जर्जर अवस्था है। इसे संरक्षण की ज़रूरत है। अगर संरक्षण किया गया तो ये भविष्य में भी टिकी रहेंगी। जो अतीत में अपनी खूबसूरती के लिए ये जानी जाती थी, आज बिल्कुल ही वीरान पड़ी हुई है ये बारो। तो दोस्तों, यह है पुतला बारो, पुतड़ा बारो, जो कि सिंधखेड़ राजा में है। अगर आप सिंधखेड़ का राजवाड़ा देखने के लिए आए तो सिंधखेड़ राजा के जो राजवाड़ा है वह उसके पास में ही यह बारो है। तो इस खूबसूरत बारो को देखने के लिए आप भी आइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा आई है।